Hi everyone, I am Madhu and I read in class 10th. So friends, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 विच इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स. तो ये हमारे मैथ्स सिलेबस का चैप्टर नंबर 12 है. सो दिस विल बी द लास्ट चैप्टर ऑफ आर टर्म 1 मैथ सिलेबस. ये चैप्टर करने के बाद हमारे टर्म 1 का मैथ का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा. टर्म 1 में मैथ के जितने भी चैप्टर्स आएंगे उन सब के वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है. एंड दिस विल बी द लास्ट चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स. सो ये एक बहुत ही इजी और छोटा सा चैप्टर है. इट इज अ वेरी इजी एंड स्मॉल चैप्टर. बस आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो. और बस इस चैप्टर में 3 ही एक्सरसाइज हैं और कुछ फॉर्मूलेज हैं. सो इट इज अ वेरी वेरी इजी एंड स्मॉल चैप्टर. सो इस वीडियो में हम सभी टॉपिक्स और सभी कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. सो ये वीडियो देखने के बाद आपको एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट आवर चैप्टर. तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, मतलब किन किन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. सो सबसे पहले हम बात करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, मतलब किसी भी सर्कल का पेरीमीटर और एरिया हम कैसे निकालते हैं. सो दो फॉर्मूलाज हमें पढ़ना है. यहाँ पर हम इस टॉपिक में दो फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, फिर अगला टॉपिक है एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. तो एक सर्कल के जो सेक्टर और सेगमेंट होते हैं उनका एरिया हम कैसे निकालते हैं, ठीक है. सो इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. ओके, एंड देन द लास्ट टॉपिक विल बी एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, मतलब अगर कई सारे प्लेन फिगर्स को हम कंबाइन कर दें तो उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, हाउ वी विल टेक आउट द एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, ठीक है. सो ये 3 इजी टॉपिक्स हैं, 3 ही एक्सरसाइजेस हैं इस चैप्टर में और कुछ फॉर्मूलाज हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल. तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक के बारे में. अब ये देखो, यहाँ पर हमें दो फॉर्मूलाज पढ़ना है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल. किसी भी सर्कल का हम पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालेंगे. अब सबसे पहले बात करते हैं पेरीमीटर के बारे में. अगर कोई भी सर्कल है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है. पेरीमीटर मतलब उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ठीक है. अगर हम पेरीमीटर बोल रहे हैं मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस, जो उसकी बाउंड्री की लेंथ है, दैट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सो किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2πr. आई होप ये फॉर्मूलाज तो सभी को बताओगे, बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज हैं, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr, ठीक है. 2 × π, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल. रेडियस क्या होता है, अगर सर्कल के सेंटर से हम सर्कल के एंड तक कोई भी लाइन ड्रॉ करें कहीं पर भी तो वो होता है रेडियस, ठीक है. सो दिस इज द रेडियस. सो सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला है 2πr. दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल. किसी भी सर्कल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया मतलब इसका ये पूरा, इसकी ये पूरी सरफेस. तो किसी भी सर्कल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, विद द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ठीक है. सो ये तो दो बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज थे जो आपको आपकी पिछली क्लासेस से भी पता है, ठीक है. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. तो ये दो फॉर्मूलाज हैं, ये आपको पता होने चाहिए. और अगर इन ये दोनों फॉर्मूलाज आपको पता है तो आप एक्सरसाइज 12.1 को आराम से सॉल्व कर सकते हो. जो एक्सरसाइज 12.1 है उनमें सिर्फ ये दोनों फॉर्मूलाज ही यूज हुए हैं, ठीक है, कुछ भी उसमें ऐसा नया नहीं है. सो वेरी वेरी इजी, ये दो फॉर्मूलाज हमने डिस्कस कर लिए. नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन, ठीक है. तो अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.1, जो हमारी एक्सरसाइज 12.1 है उसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है. तो क्वेश्चन रीड करते हैं.
The radii of two circles are 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. कोई दो सर्कल्स हैं हमारे पास, ठीक है. लेट्स से एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है और कोई दूसरा सर्कल ये है हमारे पास. दो सर्कल्स हैं हमारे पास, उन दोनों की रेडियस हमें गिवन है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर. सो लेट्स से ये इस सर्कल की रेडियस है 9 सेंटीमीटर और इस सर्कल की रेडियस है 19 सेंटीमीटर. ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ. आगे, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स. मतलब इन दो सर्कल्स के अलावा हमारे पास एक थर्ड, तीसरा सर्कल भी है. कोई एक तीसरा सर्कल भी है जिसका सर्कमफ्रेंस इक्वल है इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम के. मतलब अगर इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस को हम ऐड कर दें सो वो इक्वल होगा इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के. ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है. और हमें फाइंड क्या करना है, हमें इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है. इस वाले सर्कल का हमें रेडियस फाइंड आउट करना है. ठीक है, और इन तीनों सर्कल्स के बीच में रिलेशन क्या है कि ये जो हमारा फर्स्ट और सेकंड सर्कल है इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को अगर हम ऐड कर दें तो वो इक्वल होगा इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के. अगर इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को हम ऐड कर दें तो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस आ जाएगा. और फिर जब हमारे पास इस वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस आ जाएगा फिर हम इसका रेडियस निकाल देंगे. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. आपको इन दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, फिर उनको ऐड करना है. ऐड करके जो आएगा वो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा. फिर इसका सर्कमफ्रेंस आ गया तो रेडियस तो आराम से हम निकाल ही सकते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सो हमारे पास दो सर्कल्स हैं और उनके रेडियस हमको गिवन है. सो रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, जो फर्स्ट सर्कल है उसका रेडियस हमें कितना दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब इस सर्कल का हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं. ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 2πr. तो सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 2πr. बस इसमें अब हमको वैल्यूज पुट करनी है. सो 2πr, 2 × 22/7 इंटू आर. रेडियस क्या है, रेडियस है 19 सेंटीमीटर इंटू 19, तो यहां पर लिख दो 19. अब आप देख सकते हो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो हमें सीधा इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 2 × 22 होता है 44, 44 इंटू 19 कितना होता है, तो मल्टीप्लाई करके देख लो, इट इज 396 एंड देन 44, यहाँ आ जाएगा 6, आ जाएगा 13, 836. तो इनको ऊपर को मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 836 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 7. तो ये हमारे पास आ गया सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, है ना. जो पहला सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस हमने निकाल लिया 836/7. अब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे. बाकी जब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब इसको भी सॉल्व कर लेंगे. अभी इसको फ्रैक्शन में छोड़ दो. ठीक है, सो हमारे पास पहले सर्कल का सर्कमफ्रेंस आ गया 836/7. अब दूसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल लो. सो रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्कल, इसको मैं थोड़े अलग कलर लिख देती हूँ, ये है 836/7. ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल. अब निकालते हैं हम सेकेंड सर्कल का. सो दूसरे सर्कल का रेडियस हमें गिवन है कितना, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल इट इज इक्वल टू कितना, 9 सेंटीमीटर है. सो ये हमने लिख दिया 9 सेंटीमीटर. तो अब सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं, सेम इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे. सो सर्कमफ्रेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज 2πr. सो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, 2πr, 2 × 22/7 इंटू आर. रेडियस क्या है 9 सेंटीमीटर. तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो इनको भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 2 × 22 कितना होता है 44, 44 इंटू 9 कितना होता है, कैलकुलेट करके देख लो. सो 44 इंटू 9 इट इज 396. ठीक है, 44 इंटू 9 होता है 396. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 396
और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 7 एज इट इज। ठीक है, तो हमने दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस निकाल लिए। जो पहला सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस है 836/7। यूनिट्स लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर जो यूनिट है दैट विल बी सेंटीमीटर। सो 836/7 सेंटीमीटर, ये है सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल। और दूसरे सर्कल का सरकमफ्रेंस है 396/7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस आ गया। अब आगे हमें बोला है कि वो जो थर्ड सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस इक्वल है इन दोनों के सरकमफ्रेंस के सम के। मतलब अगर इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस को हम ऐड कर दें, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी द सरकमफ्रेंस ऑफ द थर्ड सर्कल। ठीक है, सो इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस को हम ऐड करेंगे। ठीक है, सो आप इसको नोट कर सकते हो इफ यू वांट। तो अब आगे हम क्या करेंगे, वी विल ऐड दीज बोथ सरकमफ्रेंसेस। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, हमें बोला है कि सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, मैंने इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया कि अगर हम फर्स्ट सर्कल और सेकेंड सर्कल का सरकमफ्रेंस ऐड कर दें सो इट विल बी इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल। ठीक है, तो बस अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। सो फर्स्ट सर्कल का हमने सरकमफ्रेंस क्या निकाला था, 836/7 सेंटीमीटर। ठीक है, 836/7 सेंटीमीटर प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल, सेकेंड सर्कल का सरकमफ्रेंस था 396/7। सो इनको ऐड कर दो, हमारे पास थर्ड सर्कल का सरकमफ्रेंस आ जाएगा। सो डिनोमिनेटर सेम है, मतलब न्यूमिरेटर्स को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम ऐड कर सकते हैं। सो 836 + 396 कितना होता है, 836 + 396 इट इज 1232, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जब फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल के सर्कमफ्रेंस को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 1232/7। सो ये क्या है, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द थर्ड सर्कल। जो तीसरा सर्कल है ना उसका सर्कमफ्रेंस हमने निकाल लिया 1232/7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थर्ड सर्कल का सर्कमफ्रेंस आ गया। अब इस सर्कमफ्रेंस की हेल्प से हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो रेडियस निकालना है ना, हमें सर्कमफ्रेंस थोड़ी चाहिए, रेडियस चाहिए इस सर्कल का। तो सर्कमफ्रेंस की हेल्प से हम रेडियस को कैलकुलेट करेंगे, तो आप इसको नोट कर लो। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, अब रेडियस फाइंड आउट करेंगे। सो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, सो सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है, सर्कमफ्रेंस हमें कितना गिवन है, अभी हमने निकाला 132/7 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। सो हम लिख सकते हैं 2πr इज इक्वल टू 132/7। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, हमारे पास रेडियस आ जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी। सो 2 × 22/7 r इज इक्वल टू 132/7। वैल्यूज पुट कर दी, अब रेडियस को सिर्फ यहां पर लेफ्ट हैंड साइड छोड़ दो, ये बाकी जो 2 × 22/7 है इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, रेडियस को यहीं पर छोड़ देंगे और ये बाकी 2 × 22/7 इनको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। सो दिस विल बी 132/7 इनटू, इनका ना रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, जब ये उधर जाएंगे तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, वेरी सिंपल, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो अब आपको बस इसकी कैंसिलेशन करनी है, ये 11 से जाएगा। ठीक है, दिस विल बी 1 × 1 = 2। ठीक है, ये दोबारा 11 से जाएगा 56। यहां पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, एक मिनट। ठीक है, बस आप इसको कैंसिल कर लो, तो ये हमारे पास कैंसिल होके आ गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 सेंटीमीटर।
सो दिस इज द आंसर. सो 28 सेंटीमीटर क्या है, आंसर है. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बस पहले दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस निकाले, उनको ऐड किया, तीसरे सर्कल का हमारे पास सर्कमफ्रेंस आ गया. सर्कमफ्रेंस आ गया तो फिर तो हम रेडियस को आराम से कैलकुलेट कर सकते थे. ठीक है, सो रेडियस हमारे पास आ गया कितना, 28 सेंटीमीटर. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वॉन्ट. ठीक है, तो आपकी जो एक्सरसाइज 12.1 है उसमें यही करना, आपको सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आएगा. सो एक्सरसाइज 12.1 यू कैन सॉल्व इट इजीली. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ आर चैप्टर विच इज एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. मतलब किसी भी सर्कल के सेक्टर या फिर सेगमेंट का हम एरिया कैसे निकालते हैं. ओके, सो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि सेक्टर और सेगमेंट होते क्या हैं. तो मान लो हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल. तो सेक्टर क्या होता है कि अगर हम सर्कल में किसी भी आर्क के दो एंड पॉइंट से अगर रेडियस ड्रॉ करें, सो उसके बीच का जो एरिया होता है दैट इज द सेक्टर. अब मैंने क्या बोला कि किसी भी आर्क क्या होती है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक टुकड़ा, दैट इज द आर्क. तो सर्कमफ्रेंस है ये पूरी बाउंड्री सर्कल की. अगर इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस का कोई भी मैं एक पार्ट उठा लू, सो फॉर एग्जाम्पल दिस, एक मिनट, ठीक है, तो अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये क्या है, ये एक आर्क है, क्योंकि ये इस पूरे सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट है. सो दिस इज कॉल्ड द आर्क ऑफ द सर्कल. अब इस आर्क के एंड पॉइंट से सेंटर तक, इस आर्क के एंड पॉइंट से सेंटर तक अगर मैं दो रेडियस ड्रॉ करूं, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये दो रेडियस मैंने ड्रॉ कर दिए, तो ये दो रेडियस ड्रॉ कर दिए. अब ये जो बीच का ये जो एरिया फॉर्म हुआ है, दिस इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल. ये है सेक्टर, ठीक है, सर्कल की किसी भी आर्क के एंड पॉइंट से सेंटर तक अगर मैं दो रेडियस ड्रॉ करूं तो उसके बीच के एरिया को हम बोलते हैं सेक्टर. ठीक है, और एक सर्कल में दो सेक्टर होते हैं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर. एक छोटा सेक्टर होता है, एक बड़ा सेक्टर होता है. तो यहां पर ये एक सेक्टर बन गया. दूसरा सेक्टर कौन सा है, दूसरा सेक्टर है ये, दिस इज द सेकेंड सेक्टर. तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक सर्कल में दो सेक्टर फॉर्म होंगे, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर. अब जिसका एरिया बड़ा है वो मेजर सेक्टर होगा, जिसका एरिया कम है वो माइनर सेक्टर होगा. तो यहां पर आप देख सकते हो कि इन दोनों सेक्टर्स में से इसका एरिया कम है. सो दिस इज द माइनर सेक्टर. ये क्या है, माइनर सेक्टर है, ठीक है, और इस पूरे सेक्टर का एरिया ज्यादा है. सो दिस इज द मेजर सेक्टर. ये क्या है, मेजर सेक्टर, ठीक है. सो आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई है. सेक्टर समझ आ गया, आर्क समझ आ गया. आर्क क्या होती है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का कोई भी एक टुकड़ा, कोई भी एक पार्ट, दैट इज द आर्क. ओके, सेक्टर आ गया समझ और आर्क पढ़ लिया. अब बात करते हैं सेगमेंट क्या होता है. सो देखो, सेगमेंट इज बेसिकली, अगर मान लो किसी भी सर्कल, ये सर्कल है हमारे पास, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, इस सर्कल में अगर मैं कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करूं. कॉर्ड क्या होती है कि अगर सर्कल की एंड, सर्कल की सर्कमफ्रेंस की अगर दो पॉइंट्स को मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये जो लाइन बनती है, दिस इज कॉल्ड द कॉर्ड. ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो सर्कमफ्रेंस पे एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो इनको बीच, इनको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया बीच में से. सो अब ये जो लाइन बनी है, दिस इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल. क्या बोला मैंने, कॉर्ड, CHORD. ये आपने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं. ठीक है, कोर्ड क्या होती है कि अगर सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को मैं बीच में से ऐसे ज्वाइन कर दूं तो वो जो लाइन बनती है, दिस इज कॉल्ड द कोर्ड. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सेगमेंट क्या होता है. सेगमेंट क्या होता है कि अगर हम कोई भी कोर्ड ड्रॉ करें एक सर्कल में, तो वो जो कोर्ड होती है वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. यहां पर आप खुद देख सकते हो कि इस कोर्ड ने इस पूरे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. एक पार्ट तो ये पूरा और एक ये पार्ट. ठीक है, सो इसने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है, एक ये पार्ट और एक ये दूसरा. ठीक है, सो ये हमारी जो कोर्ड है, इसने इस पूरे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. एक पार्ट है ये
और दूसरा पार्ट है ये, ठीक है। सो लाइक दिस दिस कोर डिवाइडेड द सर्कल इनटू टू पार्ट्स। तो अब ये जो दो पार्ट्स हैं इनको हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो इस कोर्ड ने इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट, क्या बोलते हैं, सेगमेंट, ठीक है। और एक सर्कल में दो सेगमेंट होती है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ठीक है। जो छोटी होगी दैट विल बी द माइनर सेगमेंट, जिसका एरिया बड़ा होगा दैट विल बी द मेजर सेगमेंट। तो यहां पर आप देख सकते हो ये एरिया कम है, सो दिस इज द माइनर सेगमेंट। ये क्या है, माइनर सेगमेंट है। और इस वाले सेगमेंट का एरिया बड़ा है, सो दिस इज द मेजर सेगमेंट। ये क्या है, मेजर सेगमेंट है, ठीक है। जैसे माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर होते हैं, वैसे ही माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट होती है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मूलाज के बारे में। तो देखो फॉर्मूलाज क्या है हमारे, एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, मतलब किसी भी सर्कल के सेक्टर और सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालेंगे। सो इन फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अगर कोई भी सेक्टर है सर्कल में तो उस सेक्टर का एरिया कैसे निकालें। तो देखो सेक्टर क्या होता है, मैं यहां पर दोबारा बना देती हूं। ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये कोई भी एक आर्क है यहां से यहां तक, और ये रेडियस है, और ये बीच का जो एरिया है दिस इज द सेक्टर, ठीक है। ये क्या है, सेक्टर है। तो अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, इस सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा क्या होता है, थीटा ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है ना, किसी भी एंगल को हम एक रिप्रेजेंट करते हैं एक वेरिएबल से थीटा, ठीक है। सो कोई भी एंगल है जिसका हमें नहीं पता कि वो एंगल 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो उस एंगल को हम एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज थीटा, ठीक है। सो ये क्या है, थीटा है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है तो ये आपको समझ आ जाएगा थीटा क्या होता है। किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेरिएबल का यूज करते हैं थीटा। सो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सो दिस इज द फॉर्मूला थीटा। अब थीटा होगा क्या, मान लो हमारे पास ये सेक्टर है, इसको नाम दे देते हैं ए ओ बी, ठीक है। तो इसको हमने नेम दे दिया एओबी। अब इस एओबी सेक्टर का हमें एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, थीटा बाय 360। थीटा क्या होगा कि ये सेक्टर सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है दैट विल बी द थीटा। अब यहां पर आप देख सकते हो ये जो सेक्टर है ये वाला एंगल बना रहा है, ठीक है, ये एंगल बना रहा है, सो दिस इज थीटा, ठीक है। जो सेक्टर सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है, सेंटर के साथ, सेंटर क्या है, ये है सेंटर ओ, तो ये जो सेक्टर है ये सेंटर ओ के साथ ये एंगल बना रहा है, सो दिस इज थीटा, ठीक है। अब ये एंगल की जो भी वैल्यू होगी उसको हम थीटा की जगह रखेंगे, ठीक है। थीटा समझ आ गया, थीटा इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेक्टर ऑन द सेंटर, मतलब सेंटर पर जो एंगल बनाएगा दैट विल बी द थीटा, ठीक है। सो ये होता है थीटा बाय 360। 360 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है दैट इज 360 डिग्री, इसलिए हम थीटा को 360 से डिवाइड करेंगे। इनटू पाई आर स्क्वायर, पाई होता है 22/7, आर स्क्वायर, आर क्या होता है, रेडियस। तो यहां पर आप देख सकते हो ये क्या है, दिस इज द रेडियस, ये दो रेडियस है तो आर का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, अगर हम फॉर्मूला पढ़े किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, इट इज थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा होता है एंगल फॉर्म्ड बाय द सेक्टर ऑन द सेंटर, ठीक है, डिवाइड बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट। अब अगले फॉर्मूला की बात करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, मतलब किसी भी सर्कल के सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालेंगे। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखो मान लो ये हमारे पास कोई एक सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है एंड दिस इज द सेंटर। तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट मैंने आपको बताया था कि अगर हम
सर्कल के किसी भी दो एंड पॉइंट्स को ऐसे बीच में से ज्वाइन कर दें तो ये जो लाइन बनती है दिस इज कोर्ड, और ये जो कोर्ड है ये इस सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो लेट्स से हमें इस वाले सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। मैंने आपको बताया था कि दो सेगमेंट्स होती हैं एक सर्कल में, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट। सो ये है मेजर सेगमेंट और ये है माइनर सेगमेंट। सो लेट्स से कि हमें इस वाली माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। सो यहां पर अब इस फॉर्मूले को हम समझते हैं, क्या लिखा है इस फॉर्मूले में कि अगर हमें सर्कल के किसी भी सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? जो एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर है उसके उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। मतलब अब यहाँ पर खुद देखो कि ये जो सेगमेंट बन रहा है, ये जो पूरा सेगमेंट बन रहा है ये इस आर्क पे बन रहा है। ठीक है, ये इस आर्क पर बन रहा है, और अगर ये आर्क है तो यहाँ पर ये सेक्टर बन जाएगा। ये कैसे? अगर मान लो इन एंड पॉइंट्स को हम सेंटर से ऐसे ज्वाइन कर दें, दो रेडियाई बना दें, तो ये पूरा क्या बन गया? ये पूरा एक सेक्टर बन गया। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि ये पूरा क्या है, ये पूरा एक सेक्टर बन चुका है। ठीक है, सेक्टर बन गया, और ये हमने बीच में से ये कोर्ड भी ड्रॉ करी हुई है। तो अब ये कोर्ड ड्रॉ करी हुई है तो यहाँ पर ये क्या बन गया? एक ट्राइंगल भी बन गया, है ना। तो यहाँ पर ये सेक्टर है, ठीक है, हमने कोर्ड ड्रॉ करी तो ये ट्राइंगल बन गया, और ये हमारी सेगमेंट है जिसका एरिया हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इस सेक्टर के एरिया में से हम इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ये तो आप खुद भी सोच सकते हो, खुद भी आप लॉजिकल बात है बिल्कुल, कि अगर ये पूरे सेक्टर के एरिया में से हम ये ट्राइंगल का एरिया हटा दें तो क्या बचेगा हमारे पास? ये सेगमेंट का एरिया ही तो आएगा। तो किसी भी सर्कल के सेगमेंट का अगर हमें एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर, मतलब जो सेक्टर बनेगा उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, उस सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, उस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपका फॉर्मूला है। अब हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे कैसे? सेक्टर का एरिया तो हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, सेक्टर का एरिया तो हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके, फिर ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? सो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है विच इज हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा साइन थीटा। सो इस फॉर्मूला का आपको ध्यान रखना है, इट इज यूज फॉर टेकिंग आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? बाय दिस फॉर्मूला, 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। आर स्क्वायर क्या होता है? रेडियस का स्क्वायर, इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने ट्रिग्नोमेट्री भी कराई हुई है, और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है सो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या करना है? अगर हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है? ये जो एंगल बन रहा है दिस इज थीटा। ठीक है, ये जो एंगल फॉर्म होगा सेंटर के साथ ये होता है थीटा। सो साइन थीटा मतलब पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन थीटा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। सो अगर हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे? 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा विच इज पी बाय एच। ठीक है, सो ऐसे हम किसी भी सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम उस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेक्टर का एरिया हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो जो सेक्टर का एरिया आएगा उसमें से माइनस कर देंगे ट्राइंगल का एरिया, हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सिंपल, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, थर्ड फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। सो आगे बात करते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ एंगल थीटा। तो अगर हमें किसी भी आर्क की लेंथ निकालनी है और वो जो आर्क है वो एक सेक्टर पर बन रही है ऑफ एंगल थीटा, कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो हमारे पास एक सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है, और
ये आर्क है, सॉरी 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 ये आर्क नहीं, ये सर्कल है ठीक है, और ये हमारे पास सेक्टर है, ये सेक्टर बन रहा है ठीक है, ये सेक्टर बन रहा है ठीक है। और अब ये जो सेक्टर बन रहा है सेंटर पे, जो एंगल थीटा बना रहा है, अब ये जो पूरा सेक्टर है, अगर इस सेक्टर की हमें इस आर्क की लेंथ निकालनी है, आप देख सकते हो कि ये जो सेक्टर है ये एक आर्क पर बन रहा है ना, ये आर्क है यहां पर, तो अगर हमें इस आर्क की लेंथ निकालनी है उसके लिए ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ठीक है। तो हम किसका फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, मतलब अगर कोई सेक्टर है, कोई सेक्टर है तो वो एक आर्क पर बनता है, उस आर्क की लेंथ निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला को पढ़ेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला तो कुछ इस फॉर्मूले के सिमिलर है ना, ये सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और किसी भी आर्क की लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूला में चेंज क्या हुआ है, थीटा बाय 360 तो सेम है दोनों में, यहां पर इंटू पाई आर स्क्वायर है और यहां पर इंटू 2 पाई आर है ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखना है ओके। सो ये आपके 3 फॉर्मूलाज हैं, आई होप आपको क्लियर हो गए अच्छे से, ये तीनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज 12.2। जो हमारी एक्सरसाइज 12.2 है उनमें इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज होगा, ये फॉर्मूलाज आपको याद है, कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है, क्या होता है सेगमेंट, क्या होती है कॉर्ड, क्या होता है सेक्टर, कैसे निकालेंगे हम एरिया, फॉर्मूलाज आपको पता है, तो आप आराम से एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व कर सकते हो ठीक है। सो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, हमने कितने फॉर्मूलाज पढ़े, एक हमने किसी भी सर्कल का सेक्टर निकालने का फॉर्मूला पढ़ा ठीक है, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूला से ओके। और किसी भी आर्क की लेंथ निकालने के लिए, जो एक सेक्टर पर, कोई भी सेक्टर है तो वो एक आर्क पर बनता है, उस आर्क की लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला है थीटा बाय 360 इनटू 2 पाई आर। सो दीज आर द फॉर्मूलाज, यू कैन नोट देम डाउन इफ यू वांट, नोट कर सकते हो। सो नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड फर्स्ट पार्ट है द लेंथ ऑफ द आर्क, देन एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, देन एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो देखो तीन पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के और इसमें हमसे तीनों चीज पूछ ली, आर्क की लेंथ भी पूछ ली है, सेक्टर का एरिया भी पूछ लिया और सेगमेंट का एरिया भी पूछ लिया। सो तीनों फॉर्मूलाज हमें अप्लाई करने हैं यहाँ पर और वैल्यूज निकालनी है ओके। सो देखो हमारे पास एक सर्कल है, तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल है दिस इज द सेंटर ठीक है। अब हमसे बोला है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, सर्कल का जो रेडियस है दैट इज 21 सेंटीमीटर, और बोला है कि एक आर्क है जो सेंटर में 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आर्क क्या होता है, आर्क मैंने आपको बताया था इट इज द पीस ऑफ अ सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का कोई भी एक पार्ट होता है आर्क। तो मान लो हमारे पास ये आर्क है, दिस इज द आर्क, ये नहीं सॉरी वेट अ मिनट ठीक है। तो अगर मैं मान लो इस आर्क की बात करूं, ये हमारी आर्क है ठीक है। अब ये जो आर्क है ये सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। सो ये हमने ज्वाइन कर दिया, अब ये जो एंगल बना है दिस इज 60 डिग्री ये बोला है ठीक है। ये जो आर्क है ये सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये रेडियस बना दिए ठीक है। अब ये जो एंगल बना है ये है 60 डिग्री ठीक है। सो इतना समझ आया, देन हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आर्क, फर्स्ट पार्ट है हमें इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट आर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सो हमें क्या करना है,
लेंथ निकालनी है आर्क की, तो कैसे निकालेंगे, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइड बाय 360 इनटू 2 पाई आर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। सो थीटा बाय 360, थीटा क्या होगा, थीटा होता है एंगल जो फॉर्म होता है सेंटर पर, तो यहां पर हमें बता दिया कि ये जो आर्क है ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर पर, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 60 आ जाएगी। सो थीटा की जगह हमने 360 लिख दिया, डिनोमिनेटर में 360 इनटू 2 पाई आर, 2 पाई आर मतलब 2 इनटू पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इनटू आर, इनटू आर मतलब रेडियस, रेडियस हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, मतलब इनटू 21। अब इसको बस हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36, ठीक है, 7 1 7, 7 3 21, और क्या कैंसिल होगा, 3 1 3, 3 2 6, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 22, मतलब आर्क की लेंथ क्या आई हमारे पास, 22 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो आर्क है इसकी लेंथ कितनी है, 22 सेंटीमीटर है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वैल्यूज अच्छे से पुट करना, कैलकुलेशन करो, यू विल गेट योर आंसर, ओके। फर्स्ट पार्ट हो गया, वैसे ही सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में हमें सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। अब ये जो आर्क है ये एक सेक्टर फॉर्म कर रही है ना, ये आर्क क्या कर रही है, एक सेक्टर फॉर्म कर रही है, ये पूरा क्या है, सेक्टर है। अब हमें सेक्टर का एरिया निकालना है, ओके। तो सेम है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यूज पुट करनी है, तो किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, सो वैल्यूज पुट कर देंगे, थीटा बाय 360, थीटा क्या होगा, थीटा होता है एंगल जो सेंटर पर बन रहा है, तो यहां पर हमें पहले ही बता रखा है कि सेंटर पर कितने का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का, सो थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस है हमारा 21 सेंटीमीटर, मतलब 21 इंटू 21 क्योंकि आर स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, 6 1 6, 6 6 36, ठीक है, 7 1 7, 7 3 21, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 11 22, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, 11 और ये 21, तो 21 इंटू 11 कितना होता है, 21 इंटू 11 होता है 231, तो ये हमारे पास आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ठीक है। सो ये जो हमारा सेक्टर है इसका एरिया कितना है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो एरिया निकाल दिया हमने फॉर्मूला का यूज करके। सो सेकंड पार्ट का आंसर क्या है, सेकंड पार्ट का आंसर है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेकंड पार्ट का हमने निकाल दिया, आप इसको नोट कर सकते हो इफ यू वांट। अब ऐसे ही हम थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेंगे, तो थर्ड पार्ट हमें क्या बताया है, थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, मतलब अब हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। अब सेगमेंट कहां पर थी, तो देखो ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है, ये हमारा सेक्टर था, ये आर्क थी, ठीक है। अब बोला है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, मतलब इसके इस आर्क से जो कॉर्ड बनेगी, इसके एंड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं ऐसे, तो ये कॉर्ड बन गई, ये कॉर्ड बन गई। अब इस कॉर्ड ने क्या किया है, सेगमेंट फॉर्म किया है, कौन सा सेगमेंट फॉर्म किया है, यहां पर आप देख सकते हो ये एक सेगमेंट फॉर्म हो गया है, ये क्या है, ये एक सेगमेंट है। तो अब हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, कैसे निकाल लेंगे, मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ओके।
तो सेक्टर का एरिया तो हमने पहले से ही निकाला हुआ है। सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया था, इस सेक्टर का एरिया निकाला था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेक्टर का एरिया तो हमारे पास ऑलरेडी है, अब हमें क्या करना है, हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। फिर हम क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला था 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, 1/2 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस क्या है 21, मतलब 21 इंटू 21 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा क्या है हमारा 60 डिग्री, यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, क्वेश्चन में मैं बताया हुआ है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60। सो साइन थीटा मतलब, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 है तो साइन 60 हो गया। अब साइन 60 डिग्री कितना होता है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था पूरी टेबल, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पढ़ी थी। सो साइन 60 की क्या वैल्यू होती है, याद करो, इट इज √3/2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, सो साइन 60, साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √3/2। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख देंगे √3/2। अब इसको बस हमें सॉल्व कर लेना है, हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इनको हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले 1 × 21 होता है, 21 × 21 कितना होता है, 21 × 21 होता है 441। ठीक है, ये हो जाएगा 441 इंटू रूट थ्री, सो 441 इंटू रूट थ्री कितना होगा, 441 रूट थ्री, सिंपल। और डिनोमिनेटर में 2 × 2 हो जाएगा 4। सो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, इनको सॉल्व करने के बाद यहां पर मैं लिख रही हूं 441 रूट थ्री डिवाइडेड बाय 4। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा, एक मिनट, ठीक है, सो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 441 रूट थ्री बाय 4, 441 इंटू रूट थ्री डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सो इसको जब हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास ये आ गया, सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का हमारे पास एरिया आ गया 441 इंटू रूट थ्री बाय 4। अब हम क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो बस हमें कुछ नहीं करना, 231 विच इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, इसमें से हम माइनस कर देंगे ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, सो इसको आप पहले नोट कर लो। तो अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों एरियाज को हम माइनस कर देंगे। सो सेक्टर का एरिया कितना था, सेक्टर का एरिया हमने निकाला था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का एरिया, अभी हमने कैलकुलेट किया 441 इंटू रूट थ्री डिवाइड बाय 4। सो दिस इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो इसको हम आगे तो सॉल्व कर नहीं सकते, और अगर आगे सॉल्व करेंगे भी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, सो दिस इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट, दिस इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट, 231 माइनस 441 इंटू रूट थ्री बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेगमेंट का एरिया भी हमारे पास आ गया। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हो इफ यू वॉन्ट। सो फ्रेंड्स, वी हैव डिड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉर्मुलाज वी हैव स्टडीड टिल नाउ। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ आर चैप्टर। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। तो हम अब डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्लेन फिगर्स के कॉम्बिनेशन का एरिया निकालते हैं। सो इस टॉपिक में हमें कोई स्पेशल फॉर्मूलाज नहीं पढ़ने, जो फॉर्मूलाज हमने पीछे पढ़े थे उन्हीं का हमें यूज करना है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने पर ही आपको समझ आ जाएगा कि हम प्लेन कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स का एरिया कैसे निकालते हैं। उन्हीं फॉर्मूलाज का हमें यूज करना है, कोई नया फॉर्मूला हमें अभी नहीं पढ़ना। ओके, सो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विद दिस क्वेश्चन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड इट। तो देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। तो ये फिगर आपको गिवन है, इसमें आप देख सकते हो कि एबीसीडी क्या है, एबीसीडी ये एक स्क्वायर है। ठीक है, और हमें क्या करना है, ये जो शेडेड रीजन है ना, ये शेडेड रीजन, इसका एरिया निकालना है। ओके, और इफ एबीसीडी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड एपीडी एंड बीपीसी आर सेमी सर्कल्स। और हमें क्या गिवन है कि ये जो स्क्वायर है इसकी साइड
इसकी साइड की मेजरमेंट क्या है 14 सेंटीमीटर और हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, इट मींस स्क्वायर की सारी साइड्स कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इसकी सारी साइड्स हैं 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें बोला हुआ है कि एपीडी और बीपीसी ये दोनों है सेमी सर्कल्स, तो एपीडी क्या है, एपीडी तो ये आप देख सकते हो ये क्या है, एक सेमी सर्कल है, दिस इज अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा, दैट इज अ सेमी सर्कल। सो ये एक सेमी सर्कल है और ये एक सेमी सर्कल है, कौन सा, बीपीसी, बीपीसी और एपीडी ये दोनों एक सेमी सर्कल है, ये पूरा एक स्क्वायर है, हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर आप खुद सोचो कि अगर हम इस स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, है ना। अगर हम इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो हम यही करेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, फिर हम इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर है, ए बी सी डी, सो नाम हमें पक्का लिखना है ए बी सी डी। अब स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड कितनी है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि स्क्वायर की साइड है 14 सेंटीमीटर, मतलब हम क्या कर देंगे 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, मतलब ये जो स्क्वायर है इसका एरिया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया कितना है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया निकालेंगे। अब सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालें, देखो यहां पर अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये जो सेमी सर्कल्स हैं इनका हमारे पास डायामीटर है 14 सेंटीमीटर, है ना। हमें स्क्वायर की साइड दी हुई है 14 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो 14 सेंटीमीटर है ये इस पूरे सेमी सर्कल का क्या है, डायामीटर है। डायामीटर पता है ना आपको, इट डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो यहां पर ये देखो ये पूरा डायामीटर है 14 सेंटीमीटर, तो अगर डायामीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर। इतना तो आपको पता होगा कि डायामीटर का हाफ होता है रेडियस, तो अगर डायामीटर हमारा 14 सेंटीमीटर है सेमी सर्कल का तो रेडियस कितना होगा 14 का आधा 7 सेंटीमीटर। तो मतलब ये जो सेमी सर्कल हैं दोनों इनका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है। रेडियस आ गया हमारे पास, अब हम इन दोनों का एरिया आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो हमें ये पता है सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हम एक सेमी सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ होता है। तो अगर हम सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, अगर हम उसको आधा कर दें, टू से डिवाइड कर दें तो हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा, है ना। अगर हम सर्कल के एरिया को टू से डिवाइड कर दें तो हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा, तो हमें सेमी सर्कल का एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सर्कल के एरिया का जो फॉर्मूला है उसको टू से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास सेमी सर्कल का आ जाएगा, ठीक है। इस सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा, ऐसे ही फिर हम इस सेमी सर्कल का निकालेंगे, दोनों सेमी सर्कल के एरियाज आ जाएंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे और फिर दोनों के एरियाज को ऐड करके स्क्वायर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ओके, सब सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो आई एम डूइंग इट हियर, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला मैं लिख रही हूं यहां पे, सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। सर्कल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है उसको अगर हम टू से डिवाइड कर दे तो वो सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो देखो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस क्या है, रेडियस हमने कैलकुलेट किया 7 सेंटीमीटर है, इस इन दोनों सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। कैसे है, क्योंकि इनका डायामीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा 7 होगा, सो इनका रेडियस कितना है 7,
सो 7 स्क्वायर 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा. ठीक है, सो आप इसको सॉल्व कर सकते हो. इसको मैं एक साथ ही लिख लेती हूँ, 22 इंटू 7 इंटू 7 और डिनोमिनेटर में ये वाला 2 आ गया. अब इसको सॉल्व कर लो. सो 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये 2 1 2 2 11 22. सो हमारे पास आ गया 11 इंटू 7. 11 इंटू 7 कितना होता है? 77. सो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल. तो ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया कितना है? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, इसका एरिया है 77. अब हमें पता है कि हमने एक सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया. अभी जो दूसरा सेमी सर्कल है इसका एरिया भी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि हमें पता है ये दोनों सेमी सर्कल इक्वल हैं. इक्वल कैसे हैं? इन दोनों का रेडियस इक्वल है, इसीलिए इनका एरिया भी इक्वल होगा. इसका रेडियस भी 7 है, इसका रेडियस भी 7 है, तो इसका एरिया 77 है, तो इसका एरिया भी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा. मतलब दोनों जो सेमी सर्कल है उनका एरिया इक्वल है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों सेमी सर्कल के एरियाज को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इन दोनों सेमी सर्कल के एरिया को पूरे स्क्वायर के एरिया में सब्ट्रैक्ट करना है ना. तो हम इन दोनों सेमी सर्कल के एरिया को ऐड कर देंगे. सो 77 प्लस 77 कितना होता है? 77 प्लस 77 इट इज 154. ठीक है, तो हमारे पास दोनों सेमी सर्कल का एरिया आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे? अब इन दोनों सेमी सर्कल का जो एरिया आया है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे पूरे स्क्वायर के एरिया में से, है ना. पूरे स्क्वायर के एरिया में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया, तो फिर हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से, स्क्वायर का एरिया कितना निकाला था हमने? 196. तो हम क्या करेंगे, 196 माइनस 154 विच इज द एरिया ऑफ बोथ द सेमी सर्कल्स. सो 196 माइनस 154 कितना होता है? इट इज 42. ठीक है, तो 196 माइनस 154 कितना होता है? 42. तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया कितना है? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था. जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं पीछे उन्हीं का हमने यूज किया है. ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था. सबसे पहले हमने स्क्वायर का एरिया निकाला, फिर दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकाला, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट. ठीक है, सो फ्रेंड्स, वी हैव डिड दिस क्वेश्चन एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स. सो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल विच इज द चैप्टर नंबर 12, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. बहुत ही छोटा सा और इजी सा चैप्टर था. कुछ फॉर्मुलाज हमें पता होने चाहिए एंड वी कैन इजिली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. सो इन केस इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक और क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. So that's all for this video. I will be coming back with some more new topics of class 10th. Till then, that's it. Thank you very much.